आज के इस महफिल के रूहे रवां साहिबे जश्न मोहतरम डॉक्टर इम्तियाज समर साहब के लिए चार मिसरे मैंने यहीं बैठे बैठे कुछ जल्दी में खुदा का करम है कि कुछ हो गया तो मैं अपने जज्बात वहां तक पहुंचा रहा हूं कि ये लफ्ज़ ये संयुक्त मंच है हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। आज का ये संयुक्त मंच लफ्ज़ों को जिस तरह मैंने पिरोया उसको देखिएगा कि ये लफ्ज़ खिदमत आली में उनके अर्पण है, ये लफ्ज़ खिदमत आली में उनके अर्पण है, किताब का हुआ जिनके अभी विमोचन है। ये लफ्ज़ खिदमत आली में उनके अर्पण है, किताब का हुआ जिनके अभी विमोचन है, और जमाना लाग कहे लफ्जों का समर इसको, जमाना लाग कहे लफ्जों का समर इसको, मेरी नजर में तो इल्मो अदब का दर्पण है। मेरी नजर में जमाना लाग कहे लफ्जों का समर इसको, मेरी नजर में तो इल्मो अदब का दर्पण है। दोस्तों काफी देर हो चुकी है लेकिन जैसा कि मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं आपसे कि ये खालिस नेक जज्बा है आज की इस महफिल के लिए। बहुत सारे मुशायरे हम लोग हिंदुस्तान में पढ़ते हैं और न जाने कितनी परेशानियां बर्दाश्त करके भी जाते हैं लेकिन उसका सिला कहीं ना कहीं रुपये की शक्ल में शोहरत की शक्ल में हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन आज यकीन मानिए जिस वक्त डॉक्टर इम्तियाज समर का दावतनामा मुझे मिला था मैं खुशी से फूला नहीं समाया क्योंकि ये एक ऐसा कारनामा करने जा रहे हैं। इस कारनामे के लिए कभी फने निजामत को बुलंदी अता करने वाले गोरखपुर के बहुत ही मशहूर नाजिम मुशायरा बल्कि गोरखपुर क्या आलमी शोहरत रखने वाले नाजिम मुशायरा मोहतरम उमर कुरैशी साहब ने कभी कहा था, उनके दामाद खुर्शीद आलम साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, तो उमर कुरैशी साहब ने कभी कहा था कि मेरी किताब में जब नाम तेरा आएगा, मेरी किताब में जब नाम तेरा आएगा तो पढ़ने वाला तुझे मेरे पास पाएगा, और कलम उठाओ कि कुछ लिख दूं जिंदगी के लिए, जमाना मुझको मेरे बाद भूल जाएगा। ये जज्बात थे मोहतरम उमर कुरैशी साहब के। आज किस महफिल में आपने देखा यहां पर शायरों को मेहमानों को शाल भेंट किया गया, किताबें दी गई, बहुत लंबी लाइन थी विमोचन के समय, हर कोई ये चाह रहा था कि हम आगे आ जाएं और कोशिश ये थी कि कैमरे में तस्वीर हमारी नुमाया हो। इसकी वजह सिर्फ ये है कि सब चाहते थे कि हम तारीख का हिस्सा बन जाएं। दरअसल आप यहाँ मुशायरे में शरीक जरूर हैं, रात में आपका मुशायरा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा जो भी चलेगा, आप उन शायरों को याद रखेंगे कि भाई बड़ा अच्छा पढ़ा गया, फला शायर ने अच्छा पढ़ा, लेकिन असल में जो कुछ कारनामा उन्होंने मोहतरम डॉक्टर इम्तियाज समर ने किया है तारीख का हिस्सा वही तकरीब बनेगी जो यहाँ पर अभी कुछ देर पहले मुनक्किद की गई थी। तो मैं उन्हें अपने तमाम जो स्टेज पे बैठे हुए हैं बड़े मोहतरम नाम हैं हमारी कबील के, हमारी संयुक्त मंच के बहुत ही प्रतिष्ठित नाम हैं मुशायरे की दुनिया के, कवि कवि सम्मेलन की दुनिया के, जिनको जिनके कदमों में बैठकर मुझ जैसे लोगों ने शेर कहना सीखा है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा सबका, लेकिन मैं उन सब की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर इम्तियाज समर साहब को उनकी इस कामयाबी के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जो साझा संस्कृति है, ये जो मिलीजुली संस्कृति, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज की इस महफिल को मुशायरे की या कवि सम्मेलन की उस महफिल से मत जोड़िएगा, उससे तुलना मत कीजिएगा जहाँ फूहड़ता होती है, जहाँ पर अश्लील शेर पढ़े जाते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के दिलों को तोड़ने वाले शेर पढ़े जाते हैं, उनसे इस महफिल का कोई रिश्ता नहीं है।
क्योंकि दरअसल यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो अपने मैदान के अपने पन के माहिर बैठे हुए हैं। हमारी जो साझा संस्कृति है, जो हमारी मिलीजुली तहजीब है, उसका एक ऐसे ऐसे गौहरे नायाब यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन पर साहित्य को नाज है। और ये जो तकरीब आपने देखी, ये जो अभी कुछ देर पहले दृश्य आपने देखा, ये दरअसल आने वाली पीढ़ी तक, आने वाली नस्लों तक हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने आचार विचार, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत को जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, हम उसे और समृद्ध बनाकर, उसे और मुस्तहकम करके आने वाली नस्लों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और वही काम आज डॉक्टर इम्तियाज समर ने किया है। क्योंकि फिर एक बार वो चार मिसरे में पढ़ता हूं कि मेरी किताब में जब नाम तेरा आएगा तो पढ़ने वाला तुझे मेरे पास पाएगा, और कलम उठाओ कि कुछ लिख दो जिंदगी के लिए, जमाना मुझको मेरे बात भूल जाएगा। डॉक्टर इम्तियाज समर का खूबसूरत कारनामा। और मैं जहाँ तक मुशायरे की बात है, यकीनन यहाँ इस मुशायरे में नए और पुराने शायरों का संगम है, हिंदी और उर्दू का संगम है। बहुत देर तक मैं आपके और शायरों के दरमियान नहीं रहना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी शायरों की और कवियों की आपकी मुलाकात कराऊँ। शायर और कवि के दरमियान जो एक नाजिम या संचालक एक ऐसी कड़ी है, आप समझते होंगे, दोनों के बीच की कड़ी, जो दोनों के बीच सामईन यानी श्रोता और शायर के मध्य रिश्ता जोड़ता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि शायर जो है पहले से सामईन के बीच जिस शायर को लाने जा रहा है नाजिम, उससे वो पहले से मुतारिफ है और उसके बारे में खाका या हल्का सा तारुफ कराकर परिचय देकर आपके सामने लाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां पर जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं उनके परिचय की कोई जरूरत नहीं है, सबको आप जानते हैं, सबकी शैली से आप परिचित हैं, इसलिए मैं सीधे सीधे तमाम शायरों को उनके नाम से पुकारूंगा। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब आपके शायर और कवि यहाँ आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत करें तो आपकी तरफ से उसकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, उसका रद्द अमल आना चाहिए, क्योंकि जो शायर है कवि है उसके पास उसे और कुछ नहीं मिलता, आपकी दाद, आपकी तालियां, आपकी वाहवाही ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है जो उसे प्रेरित करती है आगे पढ़ने के लिए और उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि हाँ उसकी रचना आपने पसंद की। कहा यह जाता है दोस्तों कि जिस मुल्क, जिस समाज, जिस माशरे और जिस देश की संस्कृति और सभ्यता की जड़ें, रिश्ते और आपसी जो रिश्ते हैं उनकी जड़ें जितनी गहराई तक जाती हैं, वो समाज, वो देश उतना ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहता है। जब जब हमारी नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, जब जब हमारी अखलाकी कदरें पामाल हुई हैं, तब साहित्यकारों ने, शायरों ने, अदीबों ने अपना काम किया है। शायद आज वो वक्त आया है कि कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हमारे अंदर वो जो नैतिक मूल हम जिसको कहते हैं, जिसको हम अखलाकी कदरें कहते हैं, कहीं ना कहीं हमने उसे खोया है और समाज में आज कहीं ना कहीं उसकी कमी महसूस की जा रही है। एक बार फिर हमारे साहित्यकार सामने आए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी साझा संस्कृति है, जो कसरत में वहदत हमेशा हम नारा लगाते हैं, जो अनेकता में एकता हमारी विशेषता की हम बात कर रहे हैं, उसे दरअसल उस मजबूती को हमें कायम रखना है, उस तारीख को हमें कायम रखना है और इसी तरह जिंदा जावेद रहना है जिस तरह हमारे पूर्वज रहे हैं और आने वाली नस्लें भी हमारी इसी तरह रहेंगी। क्योंकि मैं एक बात आपसे अर्ज करके मैं एक शायर को आवाज दूंगा, क्योंकि अगर हमने अपने आने वाली नस्लों तक, अपनी आने वाली पीढ़ी तक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत को उस रूप में उन्हें परिचित नहीं कराया, उनके हाथों में नहीं सौंपा जो हमारे पूर्वजों ने हमें अता किया है या पूर्वजों से हमको मिला है,
तो आप यकीन करें आने वाली नस्लें हमसे ये सवाल भी कर सकती हैं और इस तरह कर सकती हैं कि वफा का नाम सुनेगी तो नस्ल पूछेगी, वफा का नाम सुनेगी तो नस्ल पूछेगी ये किस किताब का है लफ्ज, ये किस जबान का है लफ्ज, किस किताब में है। तो हम शर्मिंदा ना हो अपनी आने वाली नस्लों के सामने और आप अपना काम करें, जहां भी रहें अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जिंदा रखने के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो साहित्यकार निभा रहे हैं, वही जिम्मेदारी आपको भी पूरी करनी है। इससे पहले दो शेर पढ़ता हूं, किसी शायरा के मुझे याद आ गए कि दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। किसी शायरा का एक शेर है कि वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। ये एहसासात हैं, निस्वानी जज्बात। आप एक महिला से, एक लड़की से, एक शायरा से, एक कवित्री से आप महसूस करेंगे, एक अलग तरह की कैफियत आपको नजर आएगी उनकी शायरी में। मैं जो हमारी फहरिस्त में नाम है, अब्बा गाजीपुरी का एक शेर बहुत ही मशहूर है, आप सभी सुने होंगे कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दांव हुए मौलवी भी चित, मैं उनकी भी के साथ हूँ वो मेरी भी के साथ। एक बहुत ही मशहूर शेर है। दरअसल मैं ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट बदला जाए। बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, ये तकरीब आप सामने से देख रहे हैं, विमोचन की तकरीब, और शायरों को हार पहनाया जा रहा है, शाल उड़ाया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शेर सुनने आए हैं, और वैसे भी मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद बैठे हुए हैं और वो जानते हैं, उनका कहना है, आपने इस बात को महसूस किया होगा अपने स्टूडेंट लाइफ में कि स्कूलों में 45 मिनट से ज़्यादा का पीरियड किसी एक सब्जेक्ट का रखा जाता है, और जैसे हिंदी का, उसके बाद अंग्रेजी का, संस्कृत का, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि कहा यह जाता है कि कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति किसी एक विषय पर 45 मिनट से ज़्यादा एकाग्रचित या कॉन्शियस नहीं रह सकता। किसी बच्चे को आप लगातार पूरे दिन गणित नहीं पढ़ा सकते, किसी बच्चे को लगातार 4 घंटे आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते, किसी बच्चे को आप लगातार सामाजिक विषय नहीं पढ़ा सकते। हमारे मुशायरे की तारीफ, हमारे मुशायरा की भी इतिहास यही है, मुशायरे और कवि सम्मेलन का, क्या हम इसमें ओज के कवि को भी लाते हैं, हम इसमें हास कवि को भी सामने लाते हैं, हम इसमें गज़ल के खूबसूरत शायर को भी लाते हैं, हम इसमें तंजो मजाक के शायर को भी पेश करते हैं। मजबूरी में जब से हमने एक खिलौना बेच दिया, मजबूरी में जब से हमने एक खिलौना बेच दिया, लोग हमारे घर आकर बच्चों के दाम लगाते हैं। किसी शायर का, शायर जमाली भाई ने कभी कहा था कि ऐ पड़ोसी ये जो बच्चा है तेरा नेजे पर, ऐ पड़ोसी ये जो बच्चा है तेरा नेजे पर, ऐ पड़ोसी ये जो बच्चा है तेरे नेजे पर, तेरा बबलू इसे कल ढूंढ के रोएगा बहुत। किसी शायर ने यो भी कहा कि खिलौने के लिए बच्चे अभी सोए नहीं होंगे, तुझे फिर गरीबी कोई बहाना ढूंढ लेना। ये सारे शेर वो ऐसे एहसासात हैं जो हमें, जज्बात और एहसासात का ऐसा रंग शायरी में आपको मिलेगा जो हमें आज के जो एहसासात हैं जो माशरे में हम लोग देखते हैं। राहत इंदौरी की शायरी में आपके सामने पढूं या दीदार बस्तवी की, अगर मकसद दोनों का एक है तो मैं दीदार बस्तवी के शेर पढ़ना चाहूंगा। वो फरमाते हैं कि सर छुपाने को मैं कहां जाऊं, सर छुपाने को मैं कहां जाऊं,
मैं मौज़िन न मैं मैं मौज़िन न मैं पुजारी हूं, मुझको घर से निकाल मत बेटे, तेरे बचपन की मैं सवारी हूं। ये शेर, ये एहसास मैं आपको कुरेदने की कोशिश करने जा रहा हूं। छप्पर तो रखती है महफूज मुसीबत से, मर्यादा दीवार संभाले रहती है। बहुत ही खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे जनाबे जफर इमाम साहब। जब वो शेर पढ़ रहे थे तो मुझे मुनव्वर राना का वो शेर याद आया कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। सदाकर हुसैन रिजवी का एक शेर मुझे याद आया कि तेरी बीवी तो नंगे सर भरे जमघट में रहती है, तेरी बीवी तो नंगे सर भरे जमघट में रहती है, हमारे गांव में दादी अभी घूंघट में रहती है। किसी का शेर यूं भी है कि गरीबी देखना है तो चलो हम गांव चलते हैं, गरीबी देखना है तो चलो हम गांव चलते हैं, जहां कांटों में भी कुछ लोग नंगे पांव चलते हैं। दोस्तों, ये शेर इसलिए भी, चूंकि ये शेर हमारी जिंदगी की जो सच्चाइयां हैं उसकी भरपूर तर्जुमानी करते हैं, और जो शायरी बहुत पहले महबूब के लबो रुखसार और हिसार के लबो रुखसार और जुल्फों के आसपास ही कैद थी या हिसार में कैद हुआ करती थी, वो शायरी आज गमे महबूब से गमे जाना तक का सफ़र उसने किया है, और रवायत से हटकर आज के मसाइल को शायर ने किस खूबसूरती के साथ अपनी शायरी को मौजू बनाया है, वो आपने जफर इमाम साहब की शायरी में महसूस किया। एक कवि मुशायरे में जाने के लिए, कवि सम्मेलन में जाने के लिए घर से निकल रहे थे कि उसी वक्त दरवाजे पे, जैसे दरवाजे से बाहर निकले, उन्हें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। आपने पूछा आप कौन, शायर साहब ने, कवि साहब ने पूछा आप कौन, तो उन्होंने कहा भाई मैं मलकुल मौत हूँ, यमदूत हूँ, आया हूँ आपकी प्राण लेने के लिए। तो बहुत हैरान हुए, बहुत परेशान हुए कि जा रहे थे मुशायरे में और ये जान निकालने के लिए आ गए। खैर, उन्होंने कहा आइए साहब, ठीक है आप अपना जो काम है करिएगा, लेकिन पहले थोड़ी देर के लिए आप आइए और आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपका आदर सत्कार कर लूँ, आपकी आवभगत कर लूँ, आराम कीजिए। और उन्होंने खूब अच्छे अच्छे पकवान जरा देर में सारे नाश्ते वाश्ते ला के रख दिए और मलकन मौत के सामने रख दिया और कहा हुजूर खाइए। तो उन्होंने कहा भाई मैं खा रहा हूँ, लेकिन ये जो आज 25 लोगों का मुझे प्राण निकालना है और सबसे ऊपर नाम आप ही का है, सबसे ऊपर नाम आप ही का है, तो ये काम मुझे जल्दी जल्दी करना यार, खाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना लेट हो जाए। तो कहा नहीं आप खा लीजिए, फौरन निकल जाइएगा। अब कुछ ऐसी चीजें उसमें थी कि वो ज्यादा खावा गए और थोड़ी देर के बाद वो आलस आया और सो गए। जब सो गए तो कवि साहब ने क्या किया, जल्दी से गए वाइटनर निकाला और अपना नाम जहां पे लिखा था उस पे वाइटनर लगाया और नीचे वाले पे लगाया, और नीचे वाले ने का नाम ऊपर लिख दिया, ऊपर वाले का नीचे। इस तरह काम सफाई से किया कि दिखाई ना पड़े। मलकन मौत उठे और उन्होंने कहा कि बालके, अब उनकी निगाह में बालके, उन्होंने कहा आज तुमने मुझे आदर सत्कार से खुश कर दिया, प्रसन्न किया, तो मैं इतनी मोहलत तुम्हें दे रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे तुम्हें तुम्हारा जान निकालनी थी, लेकिन अब मैं ऊपर से ना निकाल कर नीचे से पहला नाम जो सबसे होगा वहां प्राण निकालूंगा।